अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चने की दाल की रेसिपी, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चने की दाल है। आप लोग खाएंगे और बार बार बनाएंगे, और जो खाएगा वो आपसे पूछेगा कि भाई कैसे बनाएंगे, मतलब तो मुझे बता दो। तो चले आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं चने की दाल की। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बना रहे हैं चने की दाल। तो सबसे पहले चूल्हा ऑन कर लेते हैं, बहुत ही डेंजरस चूल्हा है। एनीवेज इसके अंदर, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनानी है, तो मैं डालूंगी इतना को देसी मक्खन। आप चाहें तो आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मक्खन और ऑयल में बनाऊंगी। तो यहाँ मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने कितना ऑयल रखना है, मुझे इतना को रखना है तकरीबन 1/4 कप होगा। ये गरम हो रहा है, तो मैंने एक मीडियम साइज की प्याज बारीक बारीक फाइनली चॉप कर लिया, वो इसमें ऐड कर दूँ। और आपको पता है वाइट प्याज है आजकल, और वाइट प्याज को ब्राउन होने में टाइम लगता है, तो ये ब्राउन होता है तो मैं वापस आती हूँ। कैमरे की पोजीशन चेंज कर दी थोड़ी सी। ये प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इस पॉइंट के ऊपर अपने इसको मिक्स करते जाना है, ठीक है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, तकरीबन इतना। अच्छे से मिक्स कर लें, और ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल बन रही है दाल, जैसी आपको रेस्टोरेंट्स पे मिलती है, ठीक है। आपने अपने पास पानी रख लेना, और आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपका प्याज जो है ना सॉफ्ट हो जाएगा। इसको हम एक दफ़ा अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे, फिर हम डालेंगे अपने टमाटर। पानी ऐड करेंगे ताकि आपका प्याज बिल्कुल भी बर्न ना हो, ठीक है। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें थोड़े से ग्रीन्स जिंजर के हैं उसको रहेंगे, अच्छे लगेंगे। और चम्मच की मदद से आपने इसको थोड़ा थोड़ा क्रश करते जाना है प्याजों को, ठीक है। इस पॉइंट के करीब आप इसमें टमाटर शामिल कर दें, जैसे तकरीबन 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं। उसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और दाल को मैंने प्री बॉइल कर लिया है, इसलिए मुझे पता है कि जल्दी बन जाएगा। थोड़ा सा पानी और ऐड कर दो, और इस पॉइंट पे आप इसको कर दें थोड़ी देर के लिए कवर, ताकि आपके टमाटर बिल्कुल गल जाए। इसको खोल के देखते हैं, इसको हमें थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ देना। अच्छा, अभी क्योंकि इसमें पानी ऑलरेडी है, तो इस पॉइंट पे मैं अपना मसाला डाल दूँगी, जो कि है 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी, और साथ ही 1 टीस्पून के करीब कोरिएंडर पाउडर। मसाले मैंने इसलिए इस पॉइंट पे डाल दिए ताकि मसाले अपने मॉइस्चर के साथ पानी के साथ पक जाएं और कच्चे मसाले ना रहें, ठीक है जी। तोड़ेंगे इस पॉइंट पे, इसमें मैं डाल दूंगी तकरीबन इतनी हरी मिर्च फ्लेवर एनहांस करने के लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं और उन्होंने ये खाना है, तो फिर आप मिर्चें अपने हिसाब से डालें, और नमक भी हसबे जायका। कुछ लोग बहुत कम नमक इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसको आप जब तक पकाएंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। तब आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऊपर आना शुरू हो रहा है, तो हम इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे, 2-4 मिनट। और ये बेसिक मसाला है, ये जो अभी हमने मसाला तैयार किया ये बेसिक है। अगर आप लोग खाना पकाना नहीं आता और खाना पकाना सीखना चाहते हैं, तो ये मसाला आपने याद कर लेना है। इस पॉइंट पर आप चाहे चिकन डाल दें, चाहे सब्ज़ी डाल दें,
कोई भी किस्म की सब्जी डालनी हो आप यही मसाला इस्तेमाल करें और डाल दें, यकीन करें झटपट हर चीज़ तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे पकने देंगे। ये देखें, तो ये होता है खड़ा मसाला। ठीक है, ये आप हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपने कोई आलू की सब्ज़ी बनानी है, आपने कोई और सब्ज़ी बनानी है, तो आप यही मसाला इस्तेमाल करें और आप देखें कि आपका सालन इतना अच्छा बनेगा। लोग भी पूछेंगे कि भाई कहाँ से सीखा है, मेरा नाम ले लेना। यहाँ पे मैंने, ये है 1.5 कप के करीब, 2 कप के करीब दाल है चने की, इसको मैंने तकरीबन इस पॉइंट तक गला लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मेरी काफ़ी फेमस रेसिपी है, मैंने कई लोगों को सिखाई भी है और बताई भी है, तो आप लोग भी ज़रा खुश नसीब हैं जो ये सीख रहे हैं, वरना मैं अपनी रेसिपी ज़्यादा देती नहीं हूँ। बट आई ऑल्सो बिलीव कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो आप सिखाएंगे और अब नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, अभी ये हाई, इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर देंगे हम, और इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे दाल को, एंड देन वी आर गोना ऐड वाटर। अगर आपने खड़ी दाल रखनी है बिल्कुल खुश्क, तो इस पॉइंट पे आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है और आपकी दाल तैयार है। कुछ लोग तड़का लगाना पसंद करते हैं, मुझे तड़का लगाना नहीं अच्छा लगता, मुझे यही दाल ऐसी पसंद है लेकिन थोड़ी ग्रेवी के साथ, ताकि चावलों के साथ खाई जा सके। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे मसाले के साथ, और ये लिटरली झटपट बनने वाली दाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग नया नया खाना बनाना सीख रहे हैं तो दिस इज़ द रेसिपी दैट यू नीड। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 कप और 1 मोर। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे और ये पकेगी। अब जो बाकी कसर है चने की दाल की गलने की, वो इसी में गलेगी। ये देखें, अब हमने इसको अच्छी तरह गलने देना, तकरीबन आधा पौना घंटा ये पकेगी। इसको हम हाफ कवर करेंगे, फुल नहीं कवर करना, वरना आपकी सारी सफाई किचन की सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसको मीडियम लो पे हम रखेंगे, कि ज़्यादा लो भी ना हो और ज़्यादा फास्ट भी ना हो, आपको अपने चूल्हों की फ्लेम का पता होगा। तो इसको पकने देते हैं, फिर मुलाकात होती है जब ये बबल बबल कर रहा होगा। तो अब इस पॉइंट पे हम इसको 1 मिनट के लिए हटाएंगे, इसमें उबाला आ गया है। और अब आपने क्या करना है, आपने अपनी दाल को भी मैश करना शुरू कर देना है। ठीक है जी, आपकी दाल अच्छी तरह मैश होनी चाहिए, तब ये ज़रा क्रीमी बनेगी, बड़ी मज़ेदार बनेगी। लेकिन अभी इसको काफ़ी देर लगेगी, इसको भी पकने दें। बस बीच बीच में आपने चम्मच हिलाते जाना है और खुशबू टेस्ट कर लें, और मज़ीद ढक्कन देके पकने के लिए छोड़ दें। अब हम इसको और लो कर देंगे, तकरीबन इतना। अब मैं इसको 10 मिनट के बाद देखूंगी जी। इसको एक बार खोल के देखते हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और मैं अपने मुँह में मिठू नहीं हो रही। अच्छा जी, अब इसको हमने साथ साथ बीच में, जैसे मैंने बताया, हम क्रश करेंगे, मैश करना ज़रूरी है। ठीक है, अब ये आपकी चॉइस है, आपको खुश्क दाल पसंद है, ग्रेवी वाली दाल पसंद है, कैसी दाल पसंद है ये आपकी चॉइस है। कितनी आपने गाढ़ी करनी है और कितनी आपने ग्रेवी वाली रखनी है, ये भी आपकी ही चॉइस है। ठीक है जी। अच्छा जी, इस पॉइंट पे हम हल्की सी अपनी दाल चेक कर, ओए होए क्या बात है, दाल गल गई भी है। परफेक्ट, मसाला मिर्ची हर चीज़ ठीक है। अब दो चीज़ें हम यहाँ निकाल के रख रही हैं। तो अब ये जब हो रही है, यहाँ पे एक हमारा टॉप इंग्रेडिएंट, जिसके बगैर ये दाल का कोई भी दाल या सालन ऐसा कंप्लीट नहीं है, हर डिश की शान है, ये है कसूरी मेथी। और इसको डालने के लिए आपने अपने हाथ में इसको लेना है और आपने इसको कर देना है ऐसे, क्रश करके डालना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आप चाहें तो आप इस पॉइंट पे अपने दाल के अंदर क्रीम ऐड कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं है,
डाल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। दही है तो दही डाल लें, मेरे पास दही भी नहीं है अभी और मुझे ऑनेस्टली दही पसंद नहीं है दाल में। ठीक है जी, अब हम इसको ढक्कन खोल के पकाएंगे, साइडों को साथ साथ आपने साफ़ करना। इसको हम ढक्कन खोल के पकाएंगे जब तक इसका पानी उतनी क्वांटिटी पे नहीं आ जाएगा जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए। तो मैं इसको पकाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये तैयार होगी, इसको मैं पूरी तरह मैश कर दूंगी, बीच में से मैं थोड़ा थोड़ा रखूंगी। ठीक है जी, ये हो गया। देखिए दाल रेडी और बहुत जल्दी तैयार होने वाली दाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हाँ, मैंने ये अपना कोरिएंडर रखा हुआ है, यहाँ पे हम जेनरसली कोरिएंडर ऐड करेंगे, बस इतना भी जेनरस नहीं होना, थोड़ा सा होना है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे आप करनी फ्लेम बिल्कुल लो ताकि ये अपना ऑयल रिलीज करे। ठीक है जी, ये हो गई है बिल्कुल रेडी। और ये देखें बिल्कुल बाजार वाली दाल है, और दाल चावलों के ऊपर डाल के खाने वाली दाल है। और मैं चावल बॉईल करके रख ली है मैं, और मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है, दिल कर रहा है कि अभी से खा जाऊँ मैं। चलिए आपको मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ हमारी दाल की। ये हमारी दाल हो गई है रेडी, और बहुत ही कोई मज़े की खुशबू आ रही है। ठीक है, ये आपकी दाल की रेसिपी है। तो हम करेंगे इसमें डिश आउट, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे आपको किसी रेस्टोरेंट में मिलती है ये। अरे टिशू क्यों लगा हुआ है? तो ये मैंने एक कटोरी ली है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली, और ये है ही रेस्टोरेंट की। क्या खुशबू आ रही, क्या बात है, क्या बताऊँ मैं आपको। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करके आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छी लग रही है जी गाइस। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार चने की दाल तैयार हो गई है।